कि आपको शर्म आनी चाहिए, ठीक है, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको ये पता नहीं है कि मर्द किसे कहते हैं। मर्द की परिभाषा आप जानते हैं, हैं? मर्द की परिभाषा जानते हैं? मर्द की परिभाषा में काफ़ी सूत्र होते हैं, काफ़ी सिस्टम होते हैं, उसी इंसान को मर्द कहा जाता है। चौड़ी बॉडी होने से, जिम में आने से, अब अपने को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने से, या सभी छवि के अंदर छुप के काले अध्यय को छुपा लेने से कोई मर्द नहीं बन जाता, ठीक है। कहने वाले ने खाली नहीं कहा कि लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ फर्स्ट। इंडियन आर्मी के अंदर भी अगर एक एक नॉर्मल एक सिपाही की पत्नी भी अगर कोई फंक्शन के अंदर अटेंड करती है ना, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अगर बैठा है ना, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी इंडियन आर्मी के अंदर, तो लेडीज के लिए उस सिपाही की विशेष के लिए वो खड़ा होकर उसको रिस्पेक्ट देता। समाज सब खड़े होते हैं, ठीक है। लेडीजों का सम्मान करना सीख लो संजय राव जी, ठीक है। या तो मुझे लगता है कि आपको संजय मतलब कहते हैं मर्द होने की परिभाषा आपको सही तरीके से पता नहीं है, नंबर एक बार। नंबर दो, आप जो है ना, या तो आपके परिवार के अंदर लेडीजों का जो है सम्मान नहीं किया जाता। आप लोगों की वजह से ही ना, जो आप लोग जो नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे हो ना इस देश के अंदर, सबसे बड़ा ना जो एंटी होते हैं, जो लेडीजों के लिए एंटी होते हैं, चाहे वो पति हो जो अपनी पत्नियों को टॉर्चर करता है, उनको मारता है, पीटता है, बात बात पर नुक से निकालता है, या किसी भी बिटिया का, या कोई भी सुरक्षित नहीं है देश के अंदर। अगर रात के 11-12 बजे अगर कोई बिटिया देश की ड्यूटी से आ रही है, किसी काम से मजबूरी में फंस गई है और वो कहीं से आ रही है, तो गारंटी नहीं है होती कि वो सही सलामत घर पहुँचेगी। जब तक घर नहीं पहुँचते उसके माँ बाप टेंशन में रहते हैं, ठीक है। उन कमीनों के लिए आप बढ़ावा दे रहे हो जो हमेशा खूनी निगाहों से और मतलब हवस के, ठीक है, हवस के तौर पर उनको देखते रहते हैं और रेप का शिकार उनको बनाते हैं, ठीक है, और उनको मार काट के फेंक देते हैं। और सिर्फ इसी सोच को आपने बढ़ावा देने का ये काम किया है, ठीक है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपने एक बहुत बड़ी विश्व में काम किया है। जो कंगना रावत ने बोला है ना कि आपको देश की नारियां कभी माफ़ नहीं करेगी, तो आप माफ़ करने के लायक भी नहीं हो, ठीक है। आप कोई देश के ऑनर नहीं हो, आपको जनता ने इसलिए चुना कि आपको समाज के नाम पे पॉजिटिव मैसेज दोगे, अच्छा काम करोगे, लेकिन आपका काम ना सब पूरा चाय कम पानी है, थर्ड क्लास का काम है आपका। शिवसेना के नाम पे ना एक कलंक के तौर पर उभर के सामने आ रहे हो, और रीज़न मैं आपको बताता हूँ, कोई गलत बात जो बात मुद्दी के वो हकीकत सामने लाना लोगों के साथ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाल ठाकरे साहब ने शिवसेना का नाम ना कितने मुकाम पर पहुँचाया, अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने वसूल अपने उससे, ठीक है, लेडीज़ के सम्मान में और देश के मान को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने बाल ठाकरे जी ने निछावर की थी। लेकिन तुम लोग जो ये आ गए हो ना बीच में, ठीक है, चाहे उनका ठाकरे उद्धव ठाकरे हो, चाहे उसका बाल ठाकरे साहब का पोता हो आदित्य ठाकरे, और बाकी उसकी जो ये आप जैसे लोग ना, बाल ठाकरे साहब की छवि को आपने पूरा नकार दिया है, बिल्कुल मतलब बहुत बड़ी बदनामी आपने, बहुत बड़ी बदनामी करके रख दी है, ठीक है। आप पहले बोलने का तमीज सीख लो, एक लेडी से किस तरीके से बात की जाती है, जिस तरह से वो कंगना को आपने हरामखोर कहा ना, और ये भी जो भी बोल आती है मुँह फट बोलते रहती है, वो करते रहती है, पहले अपने गिरबान में झांकना सीखो। अगर किसी को क्लेम करने से पहले उस बात की तैयारी जरूर कर लो कि हम में तो कोई कमी नहीं है, ठीक है। अगर मुंबई पुलिस के लिए अगर वो बोल लिया ना, तो पालघर इलाके के अंदर पुलिस किस तरीके से खड़ी थी, अभी तो मजबूरी ना, आप लोगों ने 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया ना पालघर कांड के अंदर, जैसे महंतों की हत्या की गई थी खुलेआम, और पुलिस वहाँ पर दर्शक को ला के भीड़ के सौंप दिया था ना, वो पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया को पता है, समझ गए नहीं समझ गए, तो बेवकूफ़ किसी और को बताना। अगर उसमें मुंबई पुलिस के बारे में अगर कोई बोलता है, अगर प्रश्न वाला चिन्ह लगाता है, तो हक है बोलने का, और वो पूरी दुनिया ने देखा है, ठीक है। और रहा सुशांत सिंह राजपूत का केस, जिसके अंदर पूरे कम से कम 200 देश लगे हुए हैं, मैं कह रहा पूरा वर्ल्ड इसको वॉच कर रहा है, और अमेरिका में इसके लिए रैली भी निकली है, काफ़ी जगह होर्डिंग लगे हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। आप बोलते हो कि कंगना मतलब मुंबई की छवि को ख़राब कर रही है, वो मुंबई की छवि को ख़राब नहीं करे, सुशांत सिंह राजपूत केस को डायब्रेट डाउन जाए करके उसमें आवाज़ उठा रही है, ठीक है। महाराष्ट्र शिवाजी का क्षेत्र है, शिवाजी का इलाका है, और छत्रपति शिवाजी ने अपने मान बाल ठाकरे साहब ने और शिवाजी ने इस मतलब इस नाम को जो है ना हमेशा टॉप पर पहुंचा के रखा, ठीक है। आप जैसे लोग इसकी छवि को ख़राब करने के लगे हुए हैं। बाकी शिवसेना में शिवसेना के जो काफ़ी लोग होंगे जो शिवसेना के तौर पर दिल से बाल साहब ठाकरे साहब के काम को अंजाम दे रहे हैं और सिद्ध से उनके नाम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आप लोग ऑनर बीच में बैठ के बीच में घुस पड़े हो ना कि मैं जो बोलूँगा वो सच है और बाकी सब चाय कम पानी है, तो अपनी गलत फहमी को अपने पास ही रखना। जिस तरह से मुंबई पुलिस एक क्राइम सीन मतलब एक
वो घोषित नहीं हुआ अपराधी, लेकिन आपको पता है ना उसका भाई सोहित चक्रवर्ती जो है ड्रग्स के मामले में अरेस्ट हो चुका है और उसमें कहते हैं उसको रिमांड में लिया जा चुका है, और उसमें सोमन मरांडा फरांडा जितने भी कीड़े मकोड़े जितने भी ज़्यादा नाम लो, बार बार नाम लेते लेते मैं भी थक गया हूँ, समझ गए पूरे इसमें आ रहे हैं, कितने भी ड्रग पे लड़ रहे हैं, कितने हैंडल किए जा रहे हैं, कितने कितना बड़ा रैकेट है। 14 बॉलीवुड स्टारों का नाम इसमें आया हुआ, जिनके नाम अभी धीरे धीरे सामने आएंगे। सीबीआई अपना युद्ध स्तर में सही तरीके से काम करके इसको पहुंचा रही है, और इसमें सबसे बड़े विलेन ना आपके साथ जो आप लोगों ने उनको कूपर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है ना उनको तो सजाए मौत का सोच का फरमान जारी होना चाहिए, जिन्होंने कूपर हॉस्पिटल में उसका जो पोस्टमार्टम किया सुशांत राजपूत का और इसको सुसाइड करार दिया, और उसमें डेट वगैरह टाइम वगैरह कुछ भी नहीं भरा हुआ, ठीक है। और सुशांत से और आप एक विलेन के लिए इस तरह का ट्रीटमेंट, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देके ऐसा कर रखा, आपने एक बहुत ही नेगेटिविटी पूरा मैसेज पूरे देश में फैला रखा, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ, जो एक शर्मसार घटना है, ठीक है। 15-15, 20-20 गाड़ियाँ, 15-15, 50-50 जवान उसके बॉडीगार्ड बन के घूम रहे हैं, जैसे कि बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, बहुत अच्छा काम उसने किया होगा और उसका काम का हर जगह चर्चा हो रही होगी, हैं। एक गलत मैसेज आप देश के लिए कानून व्यवस्था को खिलवाड़ कर रहे हैं, और मुंबई पुलिस में एक बहुत बड़ा मजाक बनकर रह गई है, ठीक है। उनको आदेश कहाँ से मिल रहा, किस तरह से मिल रहा, आज ही बांद्रा के अंदर जो है रिया जो है जब सुशांत सिंह की बहन के लिए एफआईआर लॉन्च करने के लिए गई हुई है वहाँ से, उसका वो वहाँ से आके उसका वकील उसको बता रहा है, जो इंसान के पास 17,000 रुपये किस्त देने के पैसे नहीं है वो 10 लाख का वकील करके बैठी है, मुंबई पुलिस के कान में जूड़ ही रह रही है। क्या आप लोगों को शर्म नाम की कोई चीज़ है? और जिस तरीके से आपने हरामखोर बोला ना, अपने शब्द वापस ले लेना, समझ गए, ठीक है। मुंबई या किसी के बाप का नहीं है सर, मुंबई पूरे देश का है। एक स्लम में रहने वाले परिवार से लेके, एक रिक्शे चलाने वाले से लेके, अंबानी तक के टॉप बिजनेसमैन से लेके, कोई कभी भी किसी वक्त भी मुंबई जा सकता है और आ सकता है, वहाँ रह सकता है, सब कुछ कर सकता है। आप ऑनर ही हो, आप अभी यहाँ हो तो कल कहाँ हो आपका कोई पता नहीं है, तो इसलिए आप गारंटर बन के बीच में वो ऑनर बन के मत जुटो, और आप हिटलर ना हिटलर सद्दाम हुसैन गद्दाफी बनने की कोशिश मत करना, ठीक है, और तैमूर लिंग बनने की कोशिश मत करो यहाँ पे। एक लेडी को हरामखोर कहते हो, आपको शर्म नहीं है? आप एक नेता हैं, आपको जनता चुन के लाई है और आपकी जवाबदारी बनती है, आप एक प्रचार से आपका जो भी प्रेजेंटेशन होता है वो एक दुनिया के सामने मैसेज का काम करना चाहिए, लेकिन आप लोगों के ना दिमाग जुड़े आपके कहाँ बैठे हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुशांत जी जैसे कितने गए, आपका शिवसेना का एक नेता बोलता क्या बोलता है, कह रहा सुशांत जी हमारे लिए कोई बड़ा वो कहते बोला तो भी था, जब परिवार का कोई बच्चा घर से जाएगा ना तो कोई नहीं होता, जब घर से कोई बंदा जाएगा फिर कोई ना पूछे ना तब पता चलेगा आपको क्यों किसकी वैल्यू कितनी होती है। सुशांत हमारा भी कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन हम युद्ध स्तर में लगे हुए हैं कि इस मामला ट्रस्ट मिलना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए, इसलिए 3 एजेंसियाँ इसलिए युद्ध स्तर में काम कर रही है, ठीक है। ईडी कर रही है, ठीक है, ईडी अपना काम कर रही है, और उसके बाद सीबीआई अपना काम कर रही है, ठीक है, और ये नार्कोटिस्ट क्राइम ब्यूरो अपना काम कर रहा है, ठीक है, सब अपना काम युद्ध स्तर में कर रहे हैं, और बड़े बड़े ड्रग पेंडर इसमें पकड़े जा रहे हैं, और इसको ड्राइवेट करने का मतलब ये समझना सीबीआई अपने तरह से युद्ध स्तर में लगी है। सुशांत केस में हत्याकांड में कौन कौन शामिल थे, और कहते हैं नार्कोटिस्ट कहते हैं एनसीबी अपना काम कर रही है, ठीक है, इसमें ड्रग पेंडर कौन कौन है और कहाँ कहाँ से सप्लाई होती है और कहाँ कहाँ जाता है और बॉलीवुड के अंदर किस तरीके से इसका काम किया जाता है, और कंगना एक रानी लक्ष्मी बाई की तरह युद्ध स्तर में खड़ी हुई है, आपको शर्म आनी चाहिए। उसने सही बोला है कि जिस समय कहते हैं आमिर खान की औरत बोलती है कि मुझे भारत में डर लगता है, आमिर खान और कहते हैं नजर राखा टुच्चा बोलता मुझे देश में डर लगता है, जिसमें जावेद का घटिया इंसान जो है इसके सपोर्ट में आया और ये मतलब ये तरीके की बातें करते हैं, ठीक है, उनके बारे में तो आप कुछ नहीं बोलोगे, उस समय तो आपके बम में दम रहता नहीं है, क्यों क्यों बोलोगे, ठीक है, उनसे बोलने की आप में ताकत नहीं है, लेकिन जो पूरे देश के लिए लड़ रही है और वायुसेना की सुरक्षा आपको मिल गई है, अब क्या उखाड़ लोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको वायुसेना की सुरक्षा दे दी, अच्छे अच्छे नेता अभिनेताओं को नहीं मिलती वायुसेना की सुरक्षा, उसने वो सम्मान पाया है, और कंगना रावत एक ऐसी लेडीज़ के नाम पर पूरे लाइफ टाइम पूरे इंडिया के अंदर याद रखी जाएगी। और ये कांड ना और ये जो क्राइम सीन है सुशांत सिंह राजपूत का जो तुमने बहुत बड़ा बना दिया है जानबूझ के इसको ढीला छोड़ के, और बहुत जल्दी इसका निपटारा हो जाना चाहिए था, और ये पूरी दुनिया में रह जाएगा। और कंगना ना चाहे अमिताभ हो चाहे अक्षय हो चाहे भक्सत हो, ये जितने भी इसके अंदर कीड़े मकोड़े जितने भरे नेपो जी के किंग जो भरे पड़े ना, जिन्होंने इसके नाम सुशांत सिंह नाम के नाम पे आवाज़ नहीं उठाई, ठीक है, कितने लोग दुनिया से गए किसी ने उठाई है, कोई बोला है, कोई और मतलब बोला, और जिस समय संजय दत्त जेल पर गया था अभी जस्टिस संजय दत्त को छोड़ना चाहिए वो चलना चाहिए, जबकि एक्चुअल क्राइम किया था सलमान खान के मामले में, दुनिया भर के तुम लोग खड़े हो गए थे चमचे, समझ गए, उसमें तुम्हारी अम्मा राखी सावंत भी, सलमान खान
सलमान खान, ठीक है, राखी सावंत चौच खोल रही है, अपने मुंह ना, अपना ये पटपटाना मुंह ना बंद कर लेना, समझ गई? नहीं समझ गई? तेरी औकात जितनी है अपनी औकात में रहने, कॉलर से बाहर निकलने की कोशिश मत कर। तू चमचागिरी छोड़ दे, तू सोच दे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की चमचागिरी कर लूँगी, वगैरह। महाराष्ट्र शिवाजी का क्षेत्र है और शिवाजी का नाम पूरी दुनिया में लड़ा के तौर पर पूरी दुनिया में जाना जाता है, किस तरह के माने हुए योद्धा थे, ठीक है। पूरे देश की जनता उसका नमन करती है, उनको नमन करती है और तहे दिल से उनको अपने दिल से लगा के रखा है, ठीक है। और बाल साहब ठाकरे साहब ने जिस तरह से युद्ध स्तर में महाराष्ट्र को बना के रखा ना, मुंबई को, वो एक प्रकार की एक आला मिसाल छोड़ के गए हैं। देखिए उसको जो कचरा बनाने की कोशिश की जा रही है और ये गलत हो रहा है, बस बाकी यही कहना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और जी रिया चक्रवर्ती को जिस तरह से ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो सर, मेहरबानी करके ना अनिल देशमुख जी, गृह मंत्री आप बन गए, आप हो कल नहीं रहोगे, वक्त के साथ हर चीज़ बदल जाती है, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। हर कोई एक जैसा नहीं रहता, कैसे ऐसा है, कैसे कैसे चले गए और लोग भूल गए, मिट्टी से पूछो सिकंदर कहाँ है, बार बार वही कहता हूँ, मिट्टी से पूछो सिकंदर कहाँ है, पूरी दुनिया जीतने चला था, ठीक है। गद्दाफी का क्या हाल हुआ, सद्दाम का क्या हाल हुआ है, हिटलर का क्या हाल हुआ, जितने भी तानाशाह है ना, किसी की बेचारी सब गर्त में गए, गर्त में। ये चीज़ का याद रखना और इस तरीके से भद्दी कमेंट उसका इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो। मुंबई पुलिस अभी जो काम कर रही है ना, जो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है, मीडिया का चौथा स्तंभ है मीडिया, तो मीडिया को हक है रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछने का। और ये पुलिस बीच में आके रोड़ा क्यों पा रही है, क्या वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, क्यों एक बच्चा जो दुनिया से रुखसत हो गया, जिसकी हत्या कर दी गई है, उसके मामले में अगर मीडिया उनसे सवाल पूछने के लिए सवाल पूछना चाहती है, अगर उसके दिल में छोड़ नहीं है तो जवाब देना है। क्यों संदीप की फटी पड़ी है, हैं, क्यों फटी पड़ी है, सिद्धार्थ पटेल की सुबह के घूम रहा है, सोमिल चक्रवर्ती की कहाँ फटी पड़ी है, संजय उसकी माँ कहाँ गई और उसका बाप वो गंजा हैं कहाँ गया, रिया चक्रवर्ती का बड़वा है, पूरा उसका पैसा संपत्ति प्रॉपर्टी से लेके पूरा कंगाल करके उसको चले गए हैं, पूरी प्रॉपर्टी में कब्जा कर लिया, पूरा बैंक लगे उनका साफ कर दिया, ठीक है। पूरे उसके पैसों में अयासी करने के बाद तुम हरामखोर, उसके बाद भी इन लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो बहुत ही सर्वे की बात है और ये देश के लिए कलंक और धब्बा है। सुप्रीम कोर्ट से मेरी ये गुहार है ना, इसमें निकल कर सी जाए और इस ट्रैक को जो है तीन जांच से जो इसमें काम कर रही ना, इसमें सब कुछ सामने निकल के आएगा। लेकिन संजय राव जी, आप बात करने का तमीज सीख लीजिए और दोबारा आइंदा जो आप बोलो ना, वो मेरे से माफ़ी मांगी तो सोचूंगा। आप कोई बड़े, इतने बड़े कोई 30 मार का नहीं है, ठीक है। आप एक आम नेता हैं और जनता के नौकर हैं, नौकर के तौर पर काम करें आप, ठीक है। जनता की सेवा करने के लिए आपको चुना गया है, आप डायरेक्ट अभी दादागिरी से नहीं आए हैं यहाँ पर, समझ गए नहीं समझ गए। और जिस तरीके से ये कांड किया जा रहा है ना, रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट दे के आप लोग जिसे गदर मचा के रखा हो, उसको इतना सपोर्ट दिया जा रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आज पूछताछ करने के बाद बांद्रा में जाके वो अपना जो है बयान दे रही है और वहाँ पे एफआईआर लॉन्च करवा रही है और मुंबई पुलिस का सही तरीके से एफआईआर लॉन्च भी कर रही है। ऐसे कितने बेचारे होंगे जो मुसीबत में होंगे, उनकी एफआईआर कोई लॉन्च नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन रिया चक्रवर्ती को ये भी टीम है, उसकी एफआईआर एक एक कदम पर उसके साथ पूरे सपोर्ट के साथ आ रहा है और मीडिया को क्यों नहीं मिल दिया जा रहा है। मोदी सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी मेहरबानी करके इसमें ना जो भी है, ये जो ये सोनिया गांधी कहते हैं, ये राहुल गांधी बेमतलब की बातें, बचकाली बातें, बकवास बातें करके इन्होंने भी कोई ट्वीट नहीं किया अभी तक सुशांत के मामले ना, कुछ ये बोले, ये सिर्फ जो है ना, ये जो है ना, ये वो झूठे पत्थर हैं जो सिर्फ झूठन खाने के आदि हैं। इनको राजनीति में अपना सिक्का चलाना, अपना सिक्का चमकाने की आदत है और अपनी जातिवाद को आगे बढ़ाने की, मतलब अपने उसको आगे बढ़ाने का इनका एक दिमाग है कि नेहरू खानदान आगे बढ़े, वो बढ़े, इनको मतलब देश में परिवर्तन लाना, देश को आगे बढ़ाने से वो कोई मतलब नहीं है। अगर इनको ये मतलब होता ना, तो ये चाहे उसकी बहन है, ठीक है, प्रियंका गांधी फलाना ढिकाना, ये जितने भी है खिचड़ी, ये कोई ना कोई बोलता और कहता सुशांत सिंह को न्याय मिलना चाहिए, हम भी उनके साथ हैं। इन्होंने कोई मुंह नहीं खोला और भड़काऊ बातों में ये लोग आते हैं, ठीक है, ये गलत है। कोई भी हो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस, किसी को फर्क नहीं पड़ता हमें कौन कौन राजनीति में कौन क्या कर रहा है, लेकिन न्याय होना चाहिए और ट्रस्ट होना चाहिए, पूरा सही तरीके से उसका समाधान होना चाहिए, ठीक है। और हो सकता है कल तक रिया अंदर हो जाए, बहुत खुशी की बात होगी, लेकिन शर्म है। संजय राव जी जवान को संभाल के बात करिए और अनिल देशमुख जी गृह मंत्री आप जरूर, लेकिन हिटलर नहीं हो आप, ध्यान देना, ठीक है। कानून से बड़े नहीं हो कि आप किसी को सज़ा देने के हकदार नहीं हो, किसी का कोई करने के हकदार नहीं हो, ठीक है। गलती में सज़ा दी जाती है और गलती के बगैर कोई वो नहीं है।
और हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। और रहा मुंबई का सवाल, तो मुंबई नंबर वन है, नंबर वन थी, नंबर वन रहेगी वो, क्योंकि देश की मुंबई है, ठीक है, हर एक जनता की मुंबई है, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। शिवाजी की मुंबई है, बाल साहब ठाकरे की मुंबई है, इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है इसमें, इस चीज़ का ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।